नमस्कार, जय हिंद साथी, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ साथी, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की इस वक्त ही बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। जी हाँ साथी, हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने नाराज महाराज शिवराज सरकार वाले बयान पर सिंधिया ने किया पलटवार। जी हाँ साथी, कांग्रेस को दिए दो संज्ञाएं। जी हाँ साथी, इन सभी खबरों को जानने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच सियासी आबादत का जोड़ पकड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना सातों दो भागों में बांट दिया है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को भी तीन भागों में बांट दिया है। हम आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम होने का भी दावा करते हुए नाराज और महाराज भाजपा का नारा भी दिया था। इसके बाद इसी बयान के आगे बढ़ते हुए भाजपा की शिवराज सरकार ने नाराज भाजपा के महाराज भाजपा की संज्ञा भी दी हुई थी। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिग्विजय सिंह को करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम तीन भागों में भी बांट देंगे। जैसे साथ हम आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब कमलनाथ सरकार बनी थी उस समय उन्होंने किसानों के साथ धोखा भी किया था। किसानों को 25 लाख का झूठे ताम्रपत्र भी दिए गए थे। वही आपको बता दें कि और 2 लाख का कर्ज माफ भी नहीं करते हुए खिलाफ ही सरकार बताई हुई थी। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया गया था। जी हाँ साथ, सभी कमियों के साथ क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार फिर से अपना सत्ता जमा सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलेगा। जय हिंद साथी, वीडियो चलिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।